వెల్కమ్ టు ఎన్ఎస్టీవీ న్యూస్. నా పేరు ప్రతిభ. బుల్టిన్ లో ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. అనంతపురం జిల్లా పశ్చిమ బెంగాల్ కు చెందిన వందల మంది కూలీలు పనులు చేసుకుని బతుకుతున్నారు. దేశమంతా లాక్డౌన్ విధించిన నేపథ్యంలో పనిలేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. వీరందరికీ తాడిపత్రి డిఎస్పీ శ్రీనివాసులు నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేసి ఆదుకుంటున్నారు. కానీ పనులు లేక మేము మా రాష్ట్రానికి వెళ్లలేక చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నామని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మా బాధలు అర్థం చేసుకుని మా భార్య బిడ్డలు తల్లిదండ్రుల దగ్గరికి మమ్మల్ని పంపించాలని వారు వేడుకుంటున్నారు. तुम्हारा कौन सा स्टेट? मैं पश्चिम बंगाल से हूँ, मालदा जिला से. आंध्र प्रदेश में आया था, अनंतपुर जिला में केले का काम करने के लिए. तो लॉकडाउन की वजह से एक महीने से काम बंद है. काम नहीं होता है, पैसा भी नहीं होता है. उसके लिए खाना पीना में बहुत प्रॉब्लम है हम लोगों का. इधर हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है, वो तारीपत्री बोल करके, उधर का डीएसपी हम लोगों को खाना पीना देता है. वही हमारा बहुत कुछ हेल्प करता है, तो खाना पीना मिलता है. बाकी अपना काम नहीं होता है तो पैसा वैसा कुछ नहीं होता है यार. खाना अपना पैसा से खरीद नहीं सकता है. काम नहीं मिलता है क्या? काम नहीं मिलता है. तो हम यही सरकार से विनती करता हूँ, जो हम लोग गाँव जाने के लिए बस या कुछ भी इंतजाम करके हम लोग गाँव भेजिए. हम लोग सरकार का नियम नहीं तोड़ना चाहता. अगर वो सरकार बोलता है कि एक सीट पे एक ही आदमी बैठ के जाओ, यानी कि एक सीट में तीन आदमी बैठता है, हम दो आदमी बैठ के अपना सेफ्टी से हम अपना गांव जाने के लिए चाहता हूँ. अभी तो तुम्हें तुम्हारा काम नहीं मिलता क्या? अभी हम लोग काम नहीं मिलता. कितने लोग रहते हैं? हमारा इधर ऑलरेडी 60 लेबर है, दूसरी जगह में और भी आदमी है. तो टोटल हम लोग इधर 700-800 आदमी है. हम लोग गाँव जाने के लिए चाहता हूँ. हम लोग घर पे फ़ोन भी नहीं कर पाता हूँ. घर पे फ़ोन करता हूँ तो मम्मी पापा सब लोग रोने लगता है कि बेटा घर कब आते हो, भाई कब घर आते हो. किस वजह से हम लोग घर भी फ़ोन नहीं कर पाता है. अब तुम्हारे स्टेट में तुमने क्वारंटाइन में 14 दिन रखे थे, तुम्हें पसंद कर दिया? हाँ, मैं पसंद करता हूँ. क्योंकि हम अब उधर गांव चला जाएंगे तो हमारा गांव में कुछ हो भी जाता है तो हमारा देश थे. हमारा उधर गांव में माँ पापा है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कुछ भी उस तरह लड़ सकता है. इधर कुछ हो भी गया तो क्या होगा, कुछ मेरे को समझ में नहीं आएगा. तो हमारा अपना गाँव में जाने के लिए सरकार से इतना ही गुजारिश करता हूँ कि हम लोग गाँव भेज दो. हमारा देश का ममता बनर्जी है, वो हम लोग गांव मंगाओ.